हेलो दोस्तों, देखते हैं एनसीईआरटी बुक या कोई सी बुक हो आपके पास, देखते हैं उसमें जो फाइंड द आईएसओ इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो मैं इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, हालांकि मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया है अभी फिलहाल के लिए, इसमें Na+। आपने देखा होगा अक्सर कि ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को समझ आते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, और आप ऐसे क्वेश्चन फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। देखिए, हमें जो Na+ लिखा है ना, Na+, इस प्लस का ही मतलब होता है, ये कितने नंबर पे आता है, यानी हमारा पता है ना आपको, ये हमारा 11 नंबर पे आता है। देखिए इसे इज इक्वल टू कर लो कितना, 11। अब देखिए इसमें 1+ लिखा है, ऐसे तो लिखा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें प्लस लिखा होता है ना, प्लस उसमें से एक माइनस कर देते हैं हम, कितना कर देते हैं माइनस, जैसे यहाँ प्लस लिखा है, एक ही तो प्लस है हमारा यहाँ, तो क्या क्या कर देंगे हम, 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया ना। देखिए बने रहिए वीडियो में, आपको वो ही जानकारी देंगे जो आपके सिलेबस लायक है। ओके, देखिए बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। अब Na कितने नंबर पर आता है मालूम है, Na तो हमारा 11 नंबर पर आता है। अब 11 से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो कितने बचे, 10 बचे। अब 10 कितने नंबर पर आता है, 10 पे क्या आता है, Ne आता है, कितना क्या आता है, Ne आता है हमारा। तो अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, और यहाँ 3p और 4p और 5p, 3d और यहाँ 4d या 5d। ओके, अब देखिए हमें ये कितने नंबर पे आता है हमारा, 10 नंबर पे। देखिए इसकी जो ये हम लिख रहे हैं ना, इस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के आई बटन पे दे देंगे, हम आपको देख लीजिए उसी भी वीडियो को। देखिए इसकी फुल जानकारी दी है मैंने, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें हमें ऐसे करना है, इस तरह से लिखने होते हैं भाई, हमें इस तरह से ये लिखने होते हैं हमें। तो देखिए इसमें क्या है, ठीक है अब देखिए इसमें करना क्या है मुझे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले की वीडियो जो हम आई लिंक पे दे रहे हैं आपको, उसमें ही आपको इस चीज़ की फुल जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, 1s2, 1s और 2s और 2p, 3s और 3p और 4s। देखिए अब ये इसमें क्या होता है, s इज इक्वल टू p इज इक्वल टू और d इज इक्वल टू और f इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, जो भी s वाले टर्म होते हैं उस पर दो ऑर्बिटल फिल हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें दो ऑर्बिटल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, दो ही ऑर्बिटल फिल होंगे हमारे। ओके, और इसमें 6 और इसमें 10, इसमें 14 ऑर्बिटल फिल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो देखिए इसमें एस वाले हैं उस पर 2 ऑर्बिटल फिल कर दीजिए आप, और जो हमारे पी वाले हैं उस पर 6 कर दीजिए। अब देखिए इसमें एन ई है ना, वो क्या है, 10 पर, तो ये हमारे 10 कंप्लीट हो गए।